अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है। आज है 15th रोज़ और आज हमें दावत है मेरी सिस्टर के यहाँ पर इफ्तार के लिए। हम आ चुके हैं मेरी सिस्टर के घर पर। आप सब देख रहे होंगे कि माशाल्लाह कितना प्यारा घर है इनका। हम तीन सिस्टर, हमें तीनों को भी बहुत ज़्यादा शौक है घर डेकोरेशन का। हम आने के पहले ही मेरी सिस्टर ने सारी तैयारी करके रख दी थी। उन्होंने क्या क्या बनाया मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ आगे वीडियो में। ये उन्होंने बनाया था कटलेट्स, और यहाँ पर उन्होंने बनाया था दालचा। माशाल्लाह सारी चीज़ें अकेले नहीं बनाई है उन्होंने। और यहाँ पर है ये राइस, और ये था मोहब्बत का शरबत। और ये बनाया था रगड़ा। एक्चुअली जो मेरी सिस्टर है उनको खाना बनाने का काफ़ी शौक है। एक्चुअली सारे लेडीज़ को शौक रहता है, लेकिन कुछ लेडीज़ का हॉबी भी रहता है। तो मेरी सिस्टर का हॉबी है खाना बनाना, और माशाल्लाह टेस्ट वाइज भी बहुत ही अच्छा रहता है इनका खाना। यहाँ पर हम लोगों ने दस्तरखान बिछा दिया था, अजान का टाइम होने ही वाला था। यहाँ पर हम सब इफ्तार की तैयारी कर रहे थे। माशाल्लाह यहाँ पर हमारा दस्तरखान लग चुका है। आप सब देख सकते हैं कि कितने सारे डिशेस इन्होंने अकेले ने बनाया था। और यहाँ पर ये कस्टर्ड भी इन्होंने ही बनाया था, और ये काबुली चने भी बनाया था। यहाँ पर बस इफ्तार का वक्त होने ही वाला था, हम सारे लोग दुआएं कर रहे थे। और बस माशाल्लाह यहाँ पर से इफ्तार करने के बाद में हम हमारे घर के लिए निकल गए थे। और फिर मैंने इसके बाद में वीडियो नहीं लिया। डायरेक्ट जो मैंने वीडियो लिया है वो है नेक्स्ट डे इफ्तार का, जो आगे आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, मीन 16th रोज़ा। और इफ्तार के लिए मैंने बनाया था छोले भटूरे। यहाँ पर मैंने टमाटोज लिया है उसकी प्यूरी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने अनियंस का भी प्यूरी बना दिया है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें तेल डाल दिया था। यहाँ पर मैंने जो अनियंस प्यूरी बनाया था उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर अभी मैंने ऐड कर लिया टमाटो प्यूरी, और इसमें मैंने जो बेसिक मसाले रहते वो मैंने ऐड कर लिया है। और साथ ही में मैंने इसमें डाला है जो छोले मसाला रहता है वो मैंने ऐड कर लिया था। यहाँ पर मेरा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। इसे अभी हमें स्लो फ्लेम पर रख देना है ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए इससे। यहाँ पर मैंने इसमें काबुली चने जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो इसमें ऐड कर लिया है, और इसे अभी मैंने स्लो फ्लेम पर रख दिया है। और साथ ही में मुझे भटोरे की तैयारी करनी थी तो मैंने ये एक पैन ले लिया है, उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने आटा गूंथकर मॉर्निंग में रख दिया था। यहाँ पर अभी मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया एक पैन में। यहाँ पर ये मैंने पूरी बनाया था, अभी इस पूरी को मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है। और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है छोला भटूरा। यहाँ पर छोला भटूरा बनने के बाद में मैंने बनाया था काठी कबाब रोल। ये कबाब की जो तैयारी थी मैंने ऑलरेडी दोपहर में ही कर ली थी, अभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और ये पराठा मैंने बनाया था, और ये अनियंस थे, और ये जो सॉस है ये भी मैंने ऑलरेडी घर में ही बनाया है। यहाँ पर ये कबाब्स को मैं फ्राई कर रही हूँ। ये पराठा मैंने लिया, उसके ऊपर ये जो मैंने सॉस बनाया था उसके साथ में मैंने स्प्रेड कर लिया है। यहाँ पर इसके ऊपर मैं अभी रखूँगी कबाब जो मैंने फ्राई किया था। इसके ऊपर हम रखेंगे अनियंस जो मैंने कट कर लिया है।
यहाँ पर अभी इसे हमें फोल्ड करना है और ये टूथपिक के ज़रिए से इसे अभी हमें अटैच कर देना है रोल को। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा हमारे इस व्लॉग को। अगर आपने इंजॉय किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।